वेस्ट इंडीज नहीं जाएंगे रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की T20 सीरीज होनी है, लेकिन रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत वेस्ट इंडीज नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे वेस्ट इंडीज के दौरे पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो अभी फिलहाल 3 मैचों की ODI सीरीज होनी है जिसका ये तीनों हिस्सा नहीं है, उस दौरान रोहित, ऋषभ और हार्दिक तीनों वेस्ट इंडीज के लिए रवाना नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं कि टीम इंडिया आज वेस्ट इंडीज के लिए रवाना हो रही है, जो आपकी ODI में टीम सेलेक्ट की गई है, जिसकी कप्तानी शिखर धवन करने वाले हैं। शिखर धवन की अगुवाई वाली टीम इंडिया आज वेस्ट इंडीज के लिए रवाना होगी, लेकिन रोहित, ऋषभ और हार्दिक अभी वेस्ट इंडीज नहीं जाएंगे। जब हमने BCCI में एक अधिकारी से इस बारे में बात की जो इस समय इंग्लैंड में टीम इंडिया के साथ है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ये समझाइए कि रोहित, ऋषभ और हार्दिक T20 के लिए सेलेक्ट हैं, वनडे के लिए सेलेक्ट नहीं, और पहले वनडे खेले जाने हैं, तो रोहित, ऋषभ और हार्दिक भी क्या टीम इंडिया के साथ जाएंगे या फिर ये अभी फिलहाल आराम करेंगे। तो उन्होंने मुझसे एक बहुत क्लियर बताया कि देखिए, ये जो 3 ODIs होने हैं इसमें तीनों टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है, और इस दौरान इनको कोई ये ड्यूटी पर नहीं है, यानी कि BCCI उनका कोई ऐसा तालमेल नहीं रहेगा। ये इस समय फिलहाल छुट्टी पर है, जब आप सेलेक्ट नहीं किए गए तो आप छुट्टी पर है, और वो खुद जो करना चाहें, वो चाहें तो इंग्लैंड रह सकते हैं, वो चाहें तो भारत आ सकते हैं, वो चाहें तो कहीं छुट्टियों पर जा सकते हैं, वो चाहें तो कुछ शूट कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो खबर सामने निकल कर आई, उन्होंने जो मुझे बताया वो यही था कि फिलहाल ये तीनों ही अभी वेस्ट इंडीज टीम इंडिया के साथ नहीं जा रहे। अगले हफ्ते जब आपकी T20 सीरीज शुरू होनी है, उससे 2 से 3 दिन पहले ये तीनों आपकी, अगर मैं बात करूँ, वेस्ट इंडीज पहुँचेंगे, जहाँ पे ये T20 सीरीज में हमें खेलते हुए नज़र आएंगे। तो एक बड़ा अपडेट इंग्लैंड से आ रहा है कि इंडियन टीम आज वेस्ट इंडीज के लिए रवाना होगी, लेकिन उस फ्लाइट में रोहित, ऋषभ और हार्दिक नहीं होंगे। अभी ये थोड़ा सा आराम करेंगे, और आराम करने के बाद ये लोग